मां मनसा देवी की टेंपल की सुंदर दर्शन आप अभी कर रहे हैं। कहा जाता है मां मनसा देवी सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। यह है 108 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति जो कि हरिद्वार के स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थित है। आज श्रद्धालु की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रहा है। पैता पामनी माँ गंगा की निर्मल जल की दर्शन आप कर रहे हैं सुबह के 10 बजे। आज 25 दिसंबर है और काफी सारे श्रद्धालु माँ गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाने और आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। तो चलते हैं, आज हम आपको हरिद्वार यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि अभी करेंट टेम्परेचर यहाँ का कितना है, कितनी बर्फीली हवाओं की गति तेज है, और साथ में आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो किन किन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, छोटी या बड़ी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। आप सबसे एक प्यारी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप देख रहे हैं नई घाट का दृश्य, दोनों ओर श्रद्धालु की संख्या सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आप 10 बजे के बाद आए ये हम आपको कहेंगे, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में हरिद्वार में कड़ाके की ठंड होती है सुबह। ऐसे हरिद्वार में अभी जो भीड़ है इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी छुट्टियों का जो सीजन शुरू हो चुका है और ऊपर पहाड़ों में भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो मसूरी हो, नैनीताल हो या फिर हो औली। ऊपर पहाड़ों में काफ़ी बारिश भी हो रही है और स्नोफॉल भी हो रहा है, जिसके अद्भुत नज़ारे आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएंगे। अभी हम आ चुके हैं नई घाट के दूसरे किनारे में, जो कि आप देख रहे हैं निर्मल जल की गति कितनी तेज है। हरिद्वार में जब भी आते हैं तो आप होटल या धर्मशाला अभी इस वीक में बुकिंग करके आएं, क्योंकि इस वीक में हमने पहले ही बता दिया थोड़ा भीड़ होने वाला है, क्योंकि छुट्टियां शुरू हो चुकी है और बच्चों की छुट्टी होते ही हरिद्वार औली और साथ में ऋषिकेश मसूरी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। धनौल्टी में भी है स्नोफॉल का दृश्य आप देखने को मिलने वाला है, और अगर आप हरिद्वार के साथ साथ और भी जगहों की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मौसम का ध्यान रखें, टेम्परेचर का ध्यान रखें और फैमिली के साथ आप यात्रा करें। और हरिद्वार में रूम की बुकिंग करते हुए आप ये भी जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे जो रूम आप ले रहे हैं उसमें गर्म पानी की सुविधा है कि नहीं है। ऐसे होटलों में तो गीजर लगा होता है, धर्मशाला में आपको इंक्वायरी करनी पड़ सकती है। धर्मशाला में भी काफ़ी सारे सुविधा होती है, बाहर से गर्म पानी दिया जाता है ताकि स्नान कर सके बाहर से आ रहे श्रद्धालु, क्योंकि दिसंबर के लास्ट होने वाला है और जनवरी स्टार्ट होने वाला है, दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा ठंडी होने वाला है। चलते हैं अब हरकी पैड़ी, जो कि हरकी पैड़ी के पास नई घाट है। नई घाट से हम हरकी पैड़ी की ओर जाएंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे भीड़ भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये जो देख रहे हैं ये है धनुष सेतु, धनुष सेतु सीधे ऋषिकेश बाईपास को संजय सेतु से जोड़ता है, जो कि प्रमुख ब्रिज है हरकी पैड़ी में आने का। यह है प्रमुख जल की धारा, जहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी तेज माँ गंगा की जल है और नीली पारदर्शी भी है काफ़ी ज़्यादा। और स्नान करते वक्त यहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक स्नान करना होगा, बैरियर पकड़ के या फिर जंजीर पकड़ के बैरियर के अंदर स्नान करें ताकि आप सुरक्षित स्नान कर सके। इस ओर स्नान करने का थोड़ा से दिक्कत यही होगा, लेकिन आप अगर हरकी पैड़ी को स्नान करते हैं तो थोड़ा सेफ रहेंगे, और वहाँ पे भी जल की धारा तेज होती है, स्नान करते वक्त तो आपको सारे जगह सावधानी का ध्यान रखना पड़ेगा। इस ब्रिज से खड़े होकर आप सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। जब भी आप हरिद्वार आए तो धनुष ब्रिज में जरूर एक बार खड़े हो, सुंदर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले और माँ गंगा की निर्मल जल को जरूर देखें, आपको अलग ही अंदाज से आनंद की प्राप्ति होगी। आप जो देख रहे हैं भगवान शिव की ऊंची मूर्ति वो स्वामी विवेकानंद पार्क में है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको दो मार्ग मिलेंगे, एक तो हाईवे का मार्ग है, एक है जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है। इस ब्रिज से होकर आप मुश्किल से 5 मिनट में पैदल जा सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं जाना चाह रहे हैं, कार या बाइक या फिर टेम्पो से जाना चाह रहे हैं, तो आपको 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। जहाँ पे धूप तेज है वहाँ पे श्रद्धालु की संख्या भी आज देखने को मिल रहा है। ऐसे जब ठंडी आती है तो इसी तरह का दृश्य देखने को मिलता है हरकी पैड़ी गंगा घाटों में। हवाई गति काफ़ी तेज होती है और स्नान करते वक्त श्रद्धालुओं को थोड़ा ठंडा का एहसास भी होता है, क्योंकि माँ गंगा की जल हमेशा की तरह ठंडा
आज भी है और हमेशा रहेगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जब भी आएँ तो पॉलीथीन का यूज ना करें, यहाँ पे चटाई भी मिलता है, चटाई का यूज़ करें और आप यूज़ करने के बाद चटाई वापस करके जाएँ। इससे क्या होगा, आप यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाएंगे और माँ गंगा में डुबकी लगा के माँ गंगा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये जो घाट है यही सबसे प्रमुख घाट हर की पैड़ी है, जहाँ पे श्रद्धालु की संख्या लाखों की संख्या में संध्या आरती के दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। गंगा जी की आरती यहीं से ही शुरुआत होती है और श्रद्धालु की संख्या यहाँ पे बैठे होते हैं, जो सीढ़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालु बैठे होते हैं। यहाँ पे जो पॉलीथीन यूज कर रहे हैं उनके लिए गार्ड साहब मना कर रहे हैं कि आप पॉलीथीन का यूज़ ना करें, अगर आप करते हैं तो इसे डस्टबिन में छोड़ें। ये काफ़ी अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है यहाँ पे कि ऐसा कहा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं जल की गति यहाँ पे कितनी तेज है। ये प्रमुख घाट का दृश्य है, हर की पैड़ी नई घाट, ये आप देख रहे हैं। जल की गति तो आपने देख लिया, हवाई गति भी अभी आप देखेंगे ऊपर झंडे को देख के कितनी तेज हवा यहाँ पे चल रहा है, तो इसके वजह से बर्फीली हवाएं की वजह से ही ठंडी लगती है और जल तो आपको पता ही हमेशा ठंडी होती है। ऐसे हरिद्वार की यात्रा में किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आएँ हरिद्वार, गंगा जी का दर्शन करें, गंगा जी के आशीर्वाद लें और बस इतना ही ध्यान रखें। सुबह अगर आप आते हैं थोड़ी परेशानी हो सकती है, बाकी दिन में आपको काफ़ी तेज़ धूप होता है तो परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगा। और देख रहे हैं प्रमुख घाट में श्रद्धालु की संख्या कितनी है और डुबकी लगा रही हैं। यहाँ पे थोड़ा छांव है जिसके वजह से श्रद्धालु नहीं है, बाकी घाटों में जहाँ पे तेज़ धूप है वहाँ पे अभी आप देखेंगे कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु है। ये संजय सेतु का दृश्य आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना भीड़ है और यही नई घाट है जहाँ पे अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि किया जाता है। तो देख रहे हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी देते हैं तो कुछ यहाँ पे लोग दान लेने वाले होते हैं, वो झूम पड़ते हैं, झपटने लगते हैं, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पे छीना छपटी हो रही है।